वेलकम टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना टेस्ट 02 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का हमारा सेकंड टेस्ट है। अगर आपको फर्स्ट टेस्ट देखना है तो आप मेरी वेबसाइट mparmanuphysics.blogspot.com पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उसका सॉल्यूशन भी आपको वहीं मिलेगा, उसी चैनल पर या फिर उसी वेबसाइट पर। अगर आपको उसकी टेस्ट की वीडियो देखनी है तो वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं टेस्ट 01 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इनके लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टेस्ट 02 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस है वो क्लोज्ड लूप क्यों नहीं बनाती, इसका आंसर होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, तो एंड कहाँ होगी, सिर्फ नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड होगी, तो वो क्लोज लूप नहीं बना सकती। ऐसे अगर यहाँ पॉजिटिव भी रख दिया जाए, यहाँ नेगेटिव भी, तो वो यहाँ से यहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगी, ये फील्ड लाइन कभी भी घूमकर वापस नहीं आ सकती। इसका एक रीज़न और होगा, क्योंकि जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किसी भी चार्ज के अंदर नहीं एंटर करती, इनसाइड नहीं जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के। जैसे अगर यहाँ कोई स्फेयर है, उस स्फेयर पर चार्ज हमेशा अंदर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर ज़ीरो होंगी। तो अगर क्लोज लूप बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो निकल गई तो दोबारा अंदर कैसे घुस पाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो है, तो अंदर जो है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, इसलिए वो क्लोज लूप नहीं बनाती। तो इसका आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो स्टार्ट्स होती हैं पॉजिटिव से, एंड होती हैं नेगेटिव पर, और वो किसी भी बॉडी के इनसाइड नहीं जा सकती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज ज़ीरो, स्टेट रीज़न। इसका इन्होंने कारण पूछा है, तो मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, जो ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज़ ज़ीरो एट इक्विटोरियल पॉइंट, नॉट एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर कभी भी इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो नहीं होगा, वो होगा सिर्फ इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, एट एनी पॉइंट पी कोस थीटा 4πε r². अब यहाँ पर अगर मैं 90° पुट करता हूँ तो कोस 90 ज़ीरो होता है, तो वी की वैल्यू हमें क्या मिलती है, ज़ीरो मिलती है। तो इस तरह ये स्टेटमेंट गलत है, और स्टेटमेंट सही क्या होगी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल इज ज़ीरो एट इक्विटोरियल पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो है वो मेरे पास हो, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस टू माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए एंड बी 5 सेंटीमीटर अपार्ट, डिपिक्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो उसने दो चार्जेस दिए हैं हमें, एक प्लस 2q एक माइनस 2q, और उसने बोला है कि कहाँ इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें अगर ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है, तो किसी एक पॉइंट पर वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, उसका हम डिस्टेंस लेट कर लेते हैं एक्स, ये होगा 5 - x, टोटल अपार्ट कितना है 5 है। तो यहाँ पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल ये होगा 2 × 10⁻⁶ 4πε x, और इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से ये होगा 2 × 10⁻⁶। अगर ये दोनों प्लस कर दो इज इक्वल टू ज़ीरो, वी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये सिर्फ जाएगा तो नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट, बचेगा सिर्फ 1 / x और 1/5 - x। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 5 - x इज इक्वल टू x होगा। यहाँ से x की वैल्यू सोल्व करेंगे तो मिलेगी x इज इक्वल टू 2.5। अब x इज इक्वल टू 2.5 का मतलब है इन दोनों के बीच में 2.5 पर इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें मिलेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द टू कैपेसिटर्स हैज़ हायर कैपेसिटेंस और वाई। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये वी है। हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो q/v होता है, यानी कि स्लोप जो है इस स्ट्रेट लाइन का, जो भी स्लोप होगा वो हमें कैपेसिटेंस देगा, यानी कि सी देगा q/v।
यानी कि जिस भी लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा, इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है, इसका कम है, क्योंकि इसका क्यू ज़्यादा है, वी कम है, ज़्यादा क्यू पर कम वी, ज़्यादा वी कम क्यू, इस लाइन पर ये इस तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, ये इस तरफ ज़्यादा जा रही है, तो इस वजह से क्या होगा, स्लोप इसका ज़्यादा है, स्लोप ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, इस तरह क्या होगा, इस ए का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो अब अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी होती है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई ओवर ई नॉट इज इक्वल टू ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम बोलते हैं डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसको हम डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन यही होगी, अगर इसको के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं हम, अगर हम इसके बारे में एफ के रिस्पेक्ट में, फोर्स के रिस्पेक्ट में, तो वो कुछ इस तरह होगा, एफ नॉट बाई एफ एम। तो सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ गिविंग अपोजिट चार्ज टू टू कंडक्टिंग स्फेयर ए एंड बी बाई इंडक्शन। तो कुछ इस तरह हमारा कोई अरेंजमेंट है, और इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हमें अपोजिट चार्ज देना है, ये दो कंडक्टिंग स्फेयर हैं, आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे, ये ए है ये बी है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है हमें इंडक्शन की मदद से कि ये दोनों सेपरेट हों और इन पे अलग अलग चार्ज हो, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, या इस पे नेगेटिव, या इस पे पॉजिटिव। अब इसका जो आंसर है वो मेरी वीडियो के अंदर है, मैंने वीडियो बनाई थी चार्जिंग बाई इंडक्शन पार्ट टू, आप वो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप स्टेप बाई स्टेप सीख सकते हैं कि कैसे किसी भी सिस्टम में इस तरह के चार्जेस को इंड्यूस किया जा सकता है जो कि अपोजिट हों एक दूसरे के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर केप्ट एट ए पॉइंट माइनस एक्स टू जीरो एंड माइनस क्यू रखा है एक्स वन जीरो रिस्पेक्टिवली इन एक्स वाई प्लेन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड दैट, उन्होंने पूछा है ओरिजन पर। तो हमारे पास लेट करते हैं ये जीरो जीरो ओरिजन है, माइनस क्यू रखा है एक्स वन जीरो पर यानी कि एक्स एक्सिस पर, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर रखा है, मान लो इधर इस साइड अगर जीरो से इस साइड जाते हैं तो वो एक्स टू पर है, ये है एक्स टू जीरो। अब इस सिचुएशन के अंदर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना होगा ओरिजन पर, तो इसकी वजह से यहाँ पर रखा है प्लस क्यू, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स टू स्क्वायर टुवर्ड्स बी, यानी कि बी की तरफ होगा, किस तरफ होगा, बी की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस माइनस क्यू। अब माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं माइनस क्यू के लिए, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स वन स्क्वायर टूवर्ड्स बी। अब पॉजिटिव चार्ज था इसका नेगेटिव, पॉजिटिव की से नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव चार्ज का अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो गए, बी टूवर्ड्स बी हो गए, यानी कि इस तरफ हो गए। अब इनको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम ऐड करेंगे, तो ऐड होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन क्यू ओवर एक्स टू स्क्वायर प्लस क्यू ओवर एक्स वन स्क्वायर, क्यू भी कॉमन तो वन ओवर एक्स टू स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स वन स्क्वायर यहाँ पर बचेगा हमारा आंसर। तो ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, प्रूव दैट नो ट्रांसलेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो इस तरह यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर निकालना है, डेरिवेशन निकालनी है, कोई भी डाइपोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पर कितना टॉर्क होगा, तो वो डेरिवेशन आप कर सकते हैं इजीली। तो डेरिवेशन को मैं स्किप करता हूँ, बुक से आप आसानी से कर पाएंगे। डेरिवेशन के बाद हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री चार्जेस क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री लोकेटेड एट आर वन आर टू एंड आर थ्री विद रिस्पेक्ट टू कॉमन ओरिजन। अगर ये भी हमारे पास एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए।
तो सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो डेरिवेशन आप सीख सकते हैं बुक से, या फिर डेरिवेशन के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं जनरल आइडिया दे देता हूँ आपको। एक चार्ज के लिए अगर यहाँ कोई चार्ज रखा है और वहाँ उसी के होने पर एक अलग चार्ज लेके आता हूँ Q1 ये Q2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर इनका डिस्टेंस है R12, तो इसका ही सम होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो तीन चार्जेस का सिस्टम है, तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन Q1 Q2/R12 इनके लिए, Q2 Q3/R23 इनके लिए, और Q13 और डिस्टेंस होगा R13। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है 6th। ड्रॉ थ्री इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कोरस्पॉन्डिंग टू ए फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। इक्विपोटेंशियल सर्फेस बताना है कोरस्पॉन्ड टू ए यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अलोंग जेड डायरेक्शन। कुछ ऐसा इक्विपोटेंशियल सर्फेस बताना है किसी कोरस्पॉन्डिंग फील्ड के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता हो किसकी तरफ, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ, और हमेशा रहे कॉन्स्टेंट। हाउ आर दीज सर्फेसेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन, और वो किस तरह अलग होगा जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में अगर कॉन्स्टेंट हो। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कुछ इस तरह होगा, हमारे पास ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉन्स्टेंट है और पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है इस तरफ, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। अगर मान लो ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट पे, सेकेंड यूनिट पे, थ्री यूनिट पे, यानी कि इक्वल स्पेसिंग होगी इन दोनों की, इन तीनों की, और पोटेंशियल बढ़ेगा यहाँ पर 1 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 3 वोल्ट, क्योंकि मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है इसलिए इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, और इधर जेड डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है पोटेंशियल का इसलिए 1, 2, 3 वोल्ट। अब उसने पूछा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट ना हो तो उसके लिए ये हमारा आंसर होगा अलग थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1 वोल्ट, इसके इसके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा होगा, यहाँ यहाँ कम होगा, यहाँ यहाँ कम होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा इस तरफ, वैसे वैसे जो क्लोजनेस है इलेक्ट्रोपोटेंशियल सर्फेसिस की वो ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह हम शो कर सकते हैं कोई भी सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता हो तो पोटेंशियल कैसे डिनोट किया जाता है। 7th जो क्वेश्चन है हमारा वो है आउट ऑफ टू विच कैपेसिटर हैज मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। इन दोनों के बीच में से हमें बताना है कि कौन से के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो वो ज़्यादा स्टोर है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। अब हमें पता है कि जो एनर्जी स्टोर है वो यू है, यू इज इक्वल टू है 1/2 CV² या फिर 1/2 Q² C। सी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो सी अगर कॉन्स्टेंट हम बात करते हैं या फिर सी का फैक्टर हम इग्नोर करते हैं, फैक्टर देखते हैं हम Q² पर, तो इस तरह हमारा ग्राफ है, जो क्यू है वो जो यू है वो प्रोपोर्शनल होगा Q² के, इसलिए जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका क्यू ज़्यादा होगा, और क्यू यहाँ पर एल का ज़्यादा है इसलिए जो यू की वैल्यू होगी L² वो ज़्यादा होगी फॉर एल के। तो एल का जो यहाँ पर क्या होगा, एल का हमारा ज़्यादा होगा एनर्जी स्टोर्ड। अब जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एक्स एंड वाई हैव सेम एरिया एंड सेपरेशन बट वन इज फिल्ड विद एयर एंड वन इज फिल्ड विद ER यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका K की वैल्यू है 4। तो एक का कैपेसिटेंस अगर हम मानते हैं C, एक का कैपेसिटेंस मानते हैं हम CX और दूसरे का CY, तो एक का कैपेसिटेंस हो जाएगा C और दूसरे का कैपेसिटेंस हो जाएगा 4C। अब हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस ऑफ ईच, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका है 4 माइक्रो फेराड। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम वही करेंगे, एक्स के अंदर एयर है, वाई के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसलिए एक्स का जो
कैपेसिटेंस होगा वो सी लेट कर लेते हैं, वाई का जो कैपेसिटेंस होगा वो 4C कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब ये दोनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं सीरीज में, कुछ इस तरह सी एक्स सी वाई, सी एक्स प्लस सी वाई। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 4 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा है, सी इंटू 4C, सी प्लस 4C, यहाँ से 4C बाई 5, 4 से 4 कैंसिल, सी एक्स की जो वैल्यू होगी वो सी होगी, यानी कि 5 माइक्रो फेराड। अब सी वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सी एक्स की मिल गई 5, सी वाई की 4/C, यानी कि 4 × 5 यानी कि 20। अब इस तरह सेकेंड क्वेश्चन में इसने पूछा है कि कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स एक्स एंड वाई, इसके बीच और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ 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 और यहाँ वो कितना है, तो वो कैलकुलेट करेंगे कैसे। अगर हमें टोटल चार्ज पता है, अगर हमें पोटेंशियल पता है, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है, तो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड, पोटेंशियल हम दे रखा है 12, तो 48 आ गया टोटल चार्ज। अब अगर हमें पोटेंशियल निकालना है किसी भी कैपेसिटेंस पर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हर एक पर चार्ज सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी क्यू बाई सी। क्यू 48 है सी एक्स के लिए, सी 5 है, तो 9.6 वैल्यू होगी। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी टू, यानी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस वी टू अक्रॉस सी वाई, तो वो होगा क्यू बाई सी वाई, 48/20 यानी कि 2.4। तो इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा तो आप इस टेस्ट को नोट कर सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं खुद से। टेस्ट को डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, mparamanuphysics.blogspot.com, PDF फाइल वहाँ से डाउनलोड करें और अपने आप को एसेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मोंक एंड परमाणु। थैंक यू।